हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ऑफ त्रावणकोर शेयर के ऊपर, फैक्ट शेयर के ऊपर बात करेंगे। स्टॉक में आज हम लोगों को 20% का एक जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला, और ये मोमेंटम कितना आगे कंटिन्यू हो सकता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे जो स्टॉक जो है प्रीवियस 100 ट्रेडिंग सेशन में 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। 120% के राउंड का स्टॉक ने रिटर्न दिया है, एक बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है लास्ट वन ईयर में। तो इन डिटेल में देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग फंडामेंटली पॉइंट्स को ऊपर भी देखेंगे जो क्या ये यहाँ पे जो प्राइस राइज हो रहा है फंडामेंटली वो जस्टिफाई हो रहा है नहीं रिजल्ट के द्वारा, इन सभी बातों पे भी डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि आपको और भी स्टॉक्स के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग फैक्ट शेयर के ऊपर। स्टॉक में आज हम लोगों को एक बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला। 461.95 रुपीज़ पे स्टॉक ओपन हुआ, और उसके बाद हम लोगों को एक ज़बरदस्त तेजी यहाँ पे देखने को मिला। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे स्टॉक में जो बड़ा मोमेंटम देखने को मिला 1 बजे के बाद जब 500 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया, उसके बाद इस स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखने को मिला, और स्टॉक जो है फाइनली यहाँ पे अपर सर्किट में क्लोज हुआ है। तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल चुका है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, स्टॉक ने 250 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हुआ, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया था और 250 के लेवल के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ से देखेंगे तो अप्रैल टू सितंबर फर्स्ट वीक, यहाँ पे हम लोगों को मोर देन 120% का एक शानदार तेजी देखने को मिल चुका है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पहले रिजल्ट के ऊपर। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट देखेंगे, तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा जो मार्च 2012 से यहाँ पे मार्च 2023 तक का हम लोग कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे मोर देन 100% का जंप आपको सेल्स में दिख रहा है, ऑलमोस्ट 125% का जंप सेल्स में आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। काफ़ी टाइम तक कंपनी ने लॉस किया, उसके बाद जो है ऑलमोस्ट काफ़ी कम प्रॉफिट में कंपनी ने काम किया, बट यहाँ पे प्रीवियस अगर देखेंगे तो 2020 के बाद एक ज़बरदस्त उछाल हम लोगों को इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी दिख रहा है। इसके साथ ही अगर यहाँ पे बात करेंगे, तो जो कंपनी आपको लॉस कर रहा था 13 में 14 में 15 में 16 में, यहाँ पे 18 तक कंपनी ने लॉस किया, 19 से कंपनी का यहाँ पे मुनाफा बढ़ना स्टार्ट हुआ, और अब यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार मुनाफे के साथ जो है कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। इसके साथ ही अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे, कंपनी का रिजर्व जो है कंटिन्यूसली आपको डिक्रीज हो रहा था एक समय के लिए, यहाँ पे आपको 2,286 करोड़ निगेटिव में था, बट अब यहाँ पे 2018 के बाद रिजर्व जो है एक अच्छा यहाँ पे हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और फाइनली वापस से जो है रिजर्व आपको पॉजिटिव हो चुका है। इसके साथ ही अगर यहाँ पे डेट की बात करेंगे, तो 2017 में डेट जो है 2400 करोड़ का था, जो कि अब रिड्यूस हो गया 1842 करोड़ का है, और डेट ही इस कंपनी का जो है वो आपको सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पे हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंपनी को इस डेट की वजह से। इसके साथ ही अगर बात करेंगे, तो फिक्स एसेट में भी हम लोगों को लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, और फिक्स एसेट जो है वो आपको कम्प्लीटली कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। कैश फ्लो की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे 2020 से कैश फ्लो में हम लोगों को एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, 42 करोड़, 130 करोड़,
अगेन यहाँ पे 2022 में जरूर प्रेशर में आया, वापस से 2023 में देखेंगे तो अभी यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो आपको दिख रहा है, ये कुछ इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2020 से हम लोगों को एक शानदार यहाँ पे दिख रहा है 27%, 40%, 37% और 33%। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखेंगे तो फंडामेंटली जो है धीरे धीरे कंपनी यहाँ पे सुधार कर रही है, डेट को भी रिड्यूस किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो इस स्टॉक में हम लोगों को एक शानदार तेजी देखने को मिला। मंथली चार्ट पे स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ आपको दिसंबर 2022 में एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला। विद इन ए मंथ स्टॉक जो है मोर देन यहाँ पे आप मोर देन 200% का रिटर्न दिया। उसके बाद स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा गिरावट देखने को मिला, वापस से स्टॉक स्लो एंड स्टडी मोमेंटम करना स्टार्ट किया। अगेन जब ये फ्रेश हाई आपको ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद एक शानदार तेजी हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो दिसंबर से इस स्टॉक में जो है एक जबरदस्त तेजी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न जो है इस स्टॉक ने बना के दिया है। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे जितने भी लोग यहाँ पे इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं करंट लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम हो चुका है बट अभी भी स्टॉक में जो है एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो इस स्टॉक में जो है आप इस ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ब्रेकआउट में वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है, वॉल्यूम का एक बहुत ही अच्छा स्पाइक दिखने को मिलेगा। यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक करना स्टार्ट किया था और उसके बाद देखिए स्टॉक में क्या शानदार तेजी आया। यहाँ पे स्टॉक जो है आपको 350 के लेवल से स्टॉक ने 500 के लेवल को टच किया। वापस से रिट्रेसमेंट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वीक हैंड या फिर बहुत कम लोग जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन अब वापस से जो है स्टॉक में हम लोगों को वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में 440 के नीचे के एसएल के साथ डेली क्लोजिंग बेसिस पे अगर 440 के नीचे निकल जाता है स्टॉक तो फिर हम लोग यहां से एग्जिट कर जाएंगे। ऊपर की साइड में हम लोगों को एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है क्योंकि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है और कभी भी अगर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो ये जो वॉलेटिलिटी जोन होता है ये जितना ज़्यादा होता है यही आपको टारगेट होता है। इस टारगेट को अगर ऊपर की साइड आप प्रोजेक्ट करते हैं तो क्लियरली आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से जो है इस स्टॉक में एक बड़ा टारगेट हम लोगों को मिल सकता है, स्टॉक जो है 850-900 की तरफ जा सकता है। तो इस स्टॉक में इस स्टॉक को अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप यहां पे कंटिन्यूसली होल्ड कर सकते हैं और अगर आप यहां पे फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो करंट लेवल पे आप यहां पे फ्रेश पोजीशन भी ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।